Today I am going to tell you about a COVID-19 data analysis with Excel. COVID-19 की data analysis आप Excel में भी कर सकते हैं. लोग Python और different data science के instrument use करते हैं जिसके through data analysis करते हैं और online भी OBS में भी करते हैं. हमारे यहाँ इंडिया में सबसे पहले 1 जनवरी को कोरोना वायरस केस आया था, जो 3 मेडिकल आदमी केरल में आए थे उनकी वजह से कोरोना आया था. लेकिन उस समय हमारे पास रिकवरी और डेथ रेट बिल्कुल कम थी. इवन 1 अप्रैल 2020 तक हमारे पास 998 केसेस थे जिसमें 58 की डेथ हुई थी और 148 जो थे वो रिकवर हो गए थे. लेकिन आज ये आलम है कि 1 अप्रैल 2021 में वही बढ़ करके इतना तिगना चौगना केसेस हो गया, जिसमें से 1,23,03,131 केस आपका एक्टिव है और 1,63,396 आपका डेथ हो चुकी, जिसमें से 1,15,25,39 केसेस जो है आपके डेथ हो चुके, रिकवर हो चुके हैं. अभी आज का आलम यह है कि 5/4/2021 में, मतलब 4 मई को आपके केस 2,82,83,833 हो गए और डेथ हमारी 2,22,408 हो गई और रिकवर केस आपका 1,66,13,62,92 हो गया. तो इस तरह से हमारे केसेस इतने अधिक बढ़ जाएंगे कि अब उसको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग के पास पहले की अपेक्षा हम लोग के पास अभी 2 वैक्सीन है और अब काफ़ी फैसिलिटी पहले से अधिक है. लेकिन और कंट्री भी हमारे 22 कंट्री हमको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको इंडिया को लॉकडाउन लगाना पड़ा क्योंकि केसेस डबल म्यूटेंट आने की वजह से वायरस के बहुत तेज़ी से बढ़ रहे और यंग एज के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं. तो बी केयरफुल यंग पीपल, यू हैव टू सफ़र इफ़ यू वॉन्ट फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन. तो लॉकडाउन में आप लोग प्लीज़ बाहर मत निकलिए, मास्क लगाइए और गर्म पानी पीते रहिए और किसी के संपर्क में ज़्यादा ना आए और हाथ धोते रहिए और ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर्स को दिखाइए. आपका अगर कोरोना हो जाता तो ज़रूरी नहीं है कि वो हॉस्पिटल ही में ठीक हो, अगर माइल्ड केस है तो वो घर पे भी ठीक हो सकता है. अभी 1 करोड़ से ये 2 करोड़ के लेवल पे पहुंच गया. कल तक 19 था, अभी 2 करोड़ तक ये पहुंच चुका है. 2 करोड़ मतलब बहुत माने रखता है. अब तुरंत आज का जो डेटा हमने लिया है वो 4 मई का डेटा है, जिसमें उन्होंने टोटल केस 2,82,833 बताया है, जिसमें 81.91% रिकवर हो गया, 17% आपका एक्टिव है और 1.10% आपकी डेथ हो चुकी है, जिसको उन्होंने मैप में शो किया है, जिसमें 5,000 से कम वाले एकदम लाइट मूव है, उससे डार्क मूव में 5,000 से 50,000 वाले आ रहे हैं, उससे डार्क मूव में 50,000 से 1,00,000 वाले आ रहे हैं, फिर उससे डार्क मोड में आपका 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में एक्टिव केस आ रहे हैं और उससे डार्क वाले में 2,00,000 से ऊपर के केसेस आ रहे हैं, जिसमें से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये सारे कर्नाटक जैसी जगह पे, पंजाब, कर्नाटक, ये सब जगह पे ज़्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं. तो उसके उन्होंने टेबल दे रखी है जिसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है. तो पंजाब में 2.4%, महाराष्ट्र में 1.5%, फिर उसके बाद आपका ये उत्तराखंड में भी 1.5% है, फिर आपका वेस्ट बंगाल में 1.3% लोग मर रहे हैं
1.4% दिल्ली में मर रहे हैं, 1.2% तमिलनाडु में मर रहे हैं, 1% आपके कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अभी एक्टिव केस सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, आप ये देख सकते हैं, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है इस समय। उसके बाद आपका कर्नाटक आ रहा है, फिर कर्नाटक के बाद आपका गुजरात आ रहा है, फिर गुजरात के बाद ये आपका उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा है, उत्तराखंड में राजस्थान के बाद उत्तराखंड में ही सबसे ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद आपका 24% झारखंड में है और 24% ही आपका गुजरात में है। तो इस तरह से इस डेटा को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। और जो बाकी स्टेट्स का नहीं लिया, वहाँ पर बहुत कम एक्टिव केस और बहुत कम डेथ हो रही है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर कोरोना वायरस है। जहाँ हमको जैसा पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रिकवर हो रहेंगे, महाराष्ट्र में रिकवर भी ज़्यादा हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा आसाम में रिकवर हो रहे हैं, उसके बाद उड़ीसा में रिकवर हो रहे हैं, फिर इसके बाद आपका तमिलनाडु में रिकवर, आसाम और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसके बाद उड़ीसा में हो रहा है और आंध्र प्रदेश में हो रहा है, तो इसके बाद महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में रिकवर हो रहा है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रिकवर हो रहा है, 91% दिल्ली में रिकवर हो रहा है, फिर भी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और चीज़ों की कमी, वैक्सीन की कमी हो रही, कालाबाजारी हो रही है, लोग बिना ऑक्सीजन और बिना वैक्सीन के मर जा रहे हैं, लोगों को आने जाने की फैसिलिटी नहीं मिल रही, एम्बुलेंस वाले भी पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। तो आप लोग खुद ही घर पे रहिए, ये सब नौबत ही ना आए कि आपको कोरोना वायरस हो और आप प्रॉब्लम में फंसी है। तो इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं और ये डेटा को हम लोग शीट में भी चार्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, अलग अलग एक्टिव केस महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटक में, फिर केरला में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया है। सबसे कम अंडमान, लक्षद्वीप, मिजोरम, लद्दाख, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, दादर हवेली, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, चंडीगढ़, पांडिचेरी, हिमाचल प्रदेश, गोवा, आसाम, यहाँ से आपको समझ लीजिए एकदम ना के बराबर है लोगों के कोविड केसेस। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर हरियाणा, तब दिल्ली आया। क्यों? क्योंकि दिल्ली में रिकवर रेट बहुत ज़्यादा है लेकिन डेथ भी हो रही है। अब सबसे ज़्यादा रिकवर देखिए दिल्ली में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से उसके केसेस है उस हिसाब से उसमें रिकवर सबसे ज़्यादा दिल्ली में हुआ है। तो फिर इसके महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सारा पिछली जिसमें ज़्यादा रिकवर हुआ उसका कर्व ऊपर है। अब यहाँ देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा रिकवर हुआ, लेकिन राजस्थान और गुजरात में रिकवरी रेट बहुत ख़राब है। उत्तर प्रदेश में फिर भी ठीक है, लेकिन केरल में उससे अच्छी है, केरल में दिल्ली से भी अच्छी रिकवरी हो रही है। केरल में प्रिकॉशन लोग सबसे ज़्यादा, केरल में प्रिकॉशन लोग ले रहे हैं क्योंकि जितने केस है उस हिसाब से रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। अब डेथ के केस में देख लीजिए, डेथ कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है, ये महाराष्ट्र में। इस तरह से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, यू कैन एनालाइज द डेटा ऑन इंटरनेट बाय टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। इसमें CSV फॉर्म में फाइल मिलती है जिसको आप एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं और लाइव भी आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। बार बार आपको डेटा लेना नहीं पड़ेगा, अगर आप कहिएगा तो हम इंपोर्ट करके भी डेटा बता देंगे कि कैसे लेते हैं। ये तो हमने डाउनलोड करके डेटा इसमें सिंपल पेस्ट किया है, आप लाइव भी इसको देख सकते हैं। हर सेकेंड आपका ये रिफ्रेश होता रहेगा डेटा, अगर आप OBS यूज़ करते हैं या आप
पाइथन में इसको करते हैं तो आप उस डेटा को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। जिसमें डेटा साइंस में आपको मैट प्लॉट सीखना पड़ेगा पाइथन में, जिसके थ्रू आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। हमने सिंपल इसलिए बताया क्योंकि एक्सेल तो सभी को आता है, पाइथन हर कोई नहीं कर पाता है और ना ही इतनी फैसिलिटी हर किसी के पास होती है कि उतना सॉफ्टवेयर वो लोड कर पाए। सो दिस इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी केयरफुल। प्लीज़ घर पे ही रहिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। थैंक यू व्यूअर, दिस इज़ ऑल टुडे। इफ यू लाइक